और ब्रेकिंग न्यूज है जयपुर से, जहां पर प्रदेश में बिजली संकट से अब राहत मिलने की खबर सामने आई है। बिजली संकट के बीच छबड़ा सुपर क्रिटिकल यूनिट की सिंक्रोनाइज्ड किया गया है और 660 मेगावाट की ये यूनिट 27 अगस्त को बंद हो गई थी। तकनीकी कारणों के चलते बंद यूनिट को फिर से शुरू किया गया। सूरतगढ़ की भी 660 मेगावाट इकाई को शुरू किया जा सकता है। कुल 1320 मेगावाट उत्पादन क्षमता आज शाम तक मिलने की उम्मीद है। अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हालांकि मांग के मुकाबले अभी भी आपूर्ति में बड़ा अंतर रहेगा, लेकिन यूनिट जहां पर उत्पादन होता है बिजली का अब खुलने शुरू हो चुके हैं, फिर से उत्पादन होगा, तो कुछ हद तक तो राहत की उम्मीद है। देखिए, आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन इकाई शुरू हुई थी और आज जो उम्मीद है 607 मेगावाट की दूसरी इकाई सिंक्रोनाइज हो सकती है। हालांकि संकट बरकरार है और ये संकट करीब एक सप्ताह तक रह सकता है अगर उत्पादन इकाइयों के वर्तमान हालात की अगर बात माने। 1320 मेगावाट आज विद्युत उत्पादन ऐड हो सकता है, लेकिन फिर भी करीब 2000 मेगावाट की कमी बनी रहेगी और अधिकतर जो इकाइयां हैं विद्युत उत्पादन निगम की बात करें, सरकारी और निजी क्षेत्र की, वो मेंटेनेंस के अभाव में कभी भी बंद हो सकती है, तकनीकी खामी सामने आ सकती है। तो ऐसे में एक संकट लगातार रहेगा और इसमें सबसे बड़ी खामी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की है कि वो तय मांग और आपूर्ति का आकलन करने में विफल रहे हैं। इसमें चिंता की बात ये भी है कि ओपन एक्सेस जो पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदी जाती है, जो अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट तक है, उसमें भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही और अगर इतनी महंगी दर पर बिजली खरीद कर सप्लाई करते हैं तो राजस्थान सरकार पर वित्तीय भार पड़ना भी तय है। तो जाहिर तौर पर कुप्रबंधन का शिकार बिजली कंपनियां लगातार है और यही वजह है कि जी जी ठीक है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नई और ताजा खबरों के साथ फिर